The Delta strain is spreading with active cases in several states. All cases have been isolating while they've been infectious. Businesses closed their doors, people went to their homes, and this will be in effect for the next 7 days. A two-week lockdown has been imposed in Sydney. Hey guys, I'm back again. Half of the Australia is in lockdown. Sydney, Melbourne, आधी population तो यहीं पड़ी हुई है. 13 million की population है. It's in lockdown. और Sydney की वजह से South Australia, Western Australia छोड़ दो, बहुत दूर है. वो कोई lockdown वगैरह में नहीं है. South Australia, Victoria, Queensland, ACT और अपना New South Wales तो है ही है. So Sydney में एक महीने से हम lockdown में हैं. Actually 5 हफ्ते हो चुके हैं अब तक तो. और 1500 केसेस आ चुके हैं रोज के. 100, 125, 150 केसेस आ रहे हैं. और कंसर्निंग बात यह है कि 30, 40, 50 हाफ ऑफ दैट केसेस जो भी रोज आ रहे हैं वो बाहर घूम रहे हैं. वो लोग आइसोलेशन वगैरह में नहीं है. मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट मेन मुद्दा मेरा यही बताने का. ये वीडियो अभी ऑस्ट्रेलिया के अपडेट्स के बारे में है. आप चाहे बॉर्डर अपडेट्स ले लो, आप चाहे वैक्सीनेशन अपडेट्स ले लो, आप चाहे इसमें से COVID-19 के अपडेट्स ले लो, सारा कुछ इस वीडियो में मैंने डाल दिया. COVID-19 हम सबको पता है एक आदमी से शुरुआत हुई थी. यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स में भी कैसे स्टार्ट हुआ है. एक ड्राइवर जो इंटरनेशनल ट्रैवल्स वगैरह के जो बस वगैरह चलाते हैं ना, अपन एयरपोर्ट से अपन प्लेन से एयरपोर्ट में जाते हैं, तो उसमें जो बस ड्राइवर होता है, तो ही टेस्टेड पॉजिटिव, वो भी आफ्टर 13th या 14th डे. तो बीच में भाई साहब कहाँ कहाँ घूमने गए थे ये वो पता नहीं. उसका मजाक भी उड़ा था क्योंकि वो 10 दिन में 5 बुचर शॉप्स गया था क्योंकि उसको वो परफेक्ट मीट नहीं मिल रहा था. एनी हाउ, वेन वी आर फ्री टू रोम, सो हम कुछ भी कर सकते हैं, उसकी गलती नहीं है. पूरे न्यू साउथ वेल्स में फैल गया और यहाँ पे हिस्ट्री में पहली बार इंस्ट्रक्शन बंद हुई है अभी, लुकिंग एट द केसेस. क्योंकि जितने भी ट्रेडीज होते हैं वो रोज़ इधर उधर जाते ही हैं. कंस्ट्रक्शन का भी रोक नहीं सकती किसी भी कंट्री में. जो इमरजेंसी रिपेयर्स वगैरह होती हैं वो भी नहीं रोक सकती हैं. तो अभी सब कुछ हॉल्ट पे डाल दिया है. पूरा सिडनी क्या पूरा ऑस्ट्रेलिया बंद हो चुका है और बहुत ज़्यादा लोकल लोग सफ़र भी कर रहे हैं. हम स्टूडेंट, मतलब मैं स्टूडेंट वीज़ा पे तो नहीं हूँ, स्टूडेंट भी सफ़र कर रहे हैं, टीआर वाले भी सफ़र कर रहे हैं, हर कोई सफ़र कर. बट एक अच्छी बात ये है, सारे लॉकडाउन वगैरह के बीच में इन्होंने क्राइसिस पेमेंट में अब वैलिड वीज़ा वालों के लिए, क्राइसिस पेमेंट के लिए मतलब वो लोग एलिजिबल हैं, अप टू $500 मिल रहा है अगर आपका लॉकडाउन की वजह से काम वगैरह बंद हो चुका है. मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, उनको मिल गया है. $500 पर वीक ऑन गोइंग पेमेंट सेंट्रल लिंक से मिल रही है उनको. एनी हाउ थोड़ी रिकग्निशन मिल रही है, अच्छी बात है. जो लोग टी आर पे भी हैं और जो लोग काम जिनका छूट गया बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, उनको भी मिल रहा है. बट वो अप टू 500-600 ही मिल रहे हैं. सपोजिटली आप 40 घंटे भी काम करो, 50 घंटे भी काम करो, बट उससे ऊपर नहीं मिल रहेगा. अगर आप 1000-1500 कमा रहे हो, आपको 500-600 ही मिलेगा. काफ़ी प्लस पॉइंट है कि पिछले साल जॉब कीपर वगैरह में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और टीआर इन सबको कोई बेनिफिट नहीं था, अब बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो गया है. और यहाँ पे आप लोगों को पता ही है, कोई भी चीज़ को बैन करना हो या उसको लिमिट करना हो तो फाइन इम्पोज कर देते हैं. तो यहाँ पे $1000 का फाइन है. अगर आप ऐसी टफरियाँ मारते हो पकड़े गए और पुलिस कैजुअल अपनी क्या बोलते हैं अंडर कवर उसमें घूम रही है, सो $1000 का फाइन भी है इसमें. वो नॉन नेगोशिएबल थिंग है. इससे प्रॉब्लम क्या आएगी कि अब बॉर्डर्स वगैरह, अब इंटर स्टेट बॉर्डर्स ये बंद हैं, तो अभी इंटरनेशनल बॉर्डर्स को फिर भूल ही जाओ. अब हर चीज़ बहुत ज़्यादा डिले होती जाएगी. अभी तक हमें लगता था कि 2022 के मिड में बॉर्डर्स वगैरह खुल जाएंगे, बट अभी कोई सर्टेनिटी लग भी नहीं रही है. और अगर आप आज की न्यूज़ देखोगे, एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट हुए हैं और पता नहीं किसने किया क्या किया है. बहुत सारे लोग, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल मेलबर्न में, सिडनी में, ब्रिस्बेन में, 3 मेजर सिटीज़ हैं यहाँ पे, बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, और पुलिस पे वॉर कर रहे हैं, पुलिस पे चीज़ें फेंक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. अब इससे क्या होगा, अभी इससे इतना ज़्यादा स्पाइक हो जाएगा इससे, अभी अगले 2-3 महीने और लॉकडाउन. सो हम जैसे एज अ स्टूडेंट, एज अ टीआर जो लोग हैं जिनके पास पीआर वगैरह नहीं है, तो हमारे पास तो वीज़ा लिमिटेड है ना, बट हमारा तो वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा. हमें कोविड का वीज़ा मिल सकता है, बट फिर भी क्या कंडीशन में, पता नहीं क्या कंडीशन है. मैंने तो कभी अप्लाई किया नहीं, ना मैंने किसी अपने फ्रेंड का सुना अप्लाई करते हुए कि उसको बेनिफिट वगैरह मिले होंगे. मिलते होंगे, बट आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो भी टेम्परेरी है.
3 महीने 4 महीने 6 महीने जो भी है, बट जब तक बॉर्डर नहीं खुलेंगे, जब तक पीआर वगैरह, हाँ पीआर का पॉइंट, एप्लीकेशंस वगैरह सब स्लो हो गई है। 190 हर महीने होता था, 491 हर महीने होता था, 189 हर क्वार्टरली में होता है। पिछली बार 21 अप्रैल को इन्विटेशंस आए थे, इस बार 21 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में एस्टिमेटेड था कि इन्विटेशंस वगैरह आएंगे, नहीं हुआ। 24 तारीख होगी आज, कोई अपडेट नहीं है, कुछ नहीं है। लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा पीआर एप्लीकेशंस वगैरह भी स्लो हो जाती हैं और बाकी चीजें भी सब कुछ स्लो हो जाते हैं, केस ऑफिसर असाइन होना, ये होना, उसके पास कोविड का एक रीजन तो है ही है। इन सब चीजों में सबसे ज्यादा लॉस हमारा ही है कि हमारे को वीजा एक्सटेंड भी नहीं मिल रहा, हमें पीआर का भी नहीं मिल रहा, हमें कोई सर्टेनिटी भी नहीं मिल रही है और चीजें बस स्लो होती जा रही है। और जो मैं स्टूडेंट्स वगैरह को क्राइसिस पेमेंट की बात कर रहा था, मैं एक हेल्पलाइन नंबर पे जाके आप उसको फोन करो या फिर ऑनलाइन अप्लाई करो उस पे, उसके बाद फिर आपका सेंट्रल लिंक पे वो लोग अकाउंट बनाएंगे, वहां से आप लोगों को COVID-19 सपोर्ट क्राइसिस पेमेंट को अप्लाई करना है। थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, उसमें सारे एम्प्लॉयर की डिटेल्स बतानी होती है क्योंकि वो लोग कंफर्म करते हैं, वहां पे उनका ABN नंबर बताना होता है, मतलब ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर बताना होता है, और फिर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह देनी पड़ती है, फिर आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह देनी पड़ती है, और वो फिर आपके बैंक अकाउंट से आपका TFN वगैरह सारा कुछ देखते हैं, अपना प्रोसेस वगैरह पूरा करते हैं। 4-5 दिन का प्रोसेस है और उसके बाद आपका ईमेल वगैरह आता है कि आपकी पेमेंट कंफर्म हो गई है। कोविड क्राइसिस की जो क्राइसिस पेमेंट है उसके बाद से आपको आनी स्टार्ट हो जाएगी और वो भी वीकली आएगी, आपको ऑटोमेटिकली आएगी, आपको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जब तक लॉकडाउन है तक आती रहेगी और जब तक उनको पता लगेगा कि हाँ आपकी जॉब स्टार्ट हो गई है, क्योंकि सब कुछ TFN से ट्रैक करते हैं, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। अभी के लिए $500 मिल रहा है, अच्छी बात है, घर पे बैठो $500 कमाओ, 150-200 रेंट दो, बाकी ग्रोसरीज वगैरह करो और कोई खर्चा पानी तो है नहीं है। काफी सीरियस सी वीडियो होगी वैसे, टू बी ऑनेस्ट सीरियस वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, बट सिचुएशन ही ऐसी है कि सबका मूड खराब हो रखा है और आज तो जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें भी सबका जैसे देख के ना ऐसे दिल बैठ गया कि यार अभी और लॉकडाउन एक्सटेंड होगा। अच्छी बात है वर्क फ्रॉम होम वगैरह मिला हुआ है, बट टेक्निकली हमें बाहर जाना है, बाहर खाना पीना है और ऑफिस वगैरह में बैठ के, और मेरा तो वैसे भी मार्केटिंग का काम है ज्यादा, तो मेरे को कोऑर्डिनेशन ज्यादा करनी पड़ती है, तो वो चीज लैक हो रही है, तो मैं ऑफिस वगैरह भी मिस कर रहा हूँ। क्योंकि आपको बताइए आप वर्क फ्रॉम होम होता है तो 2 घंटे काम कर लिया, आधा घंटा ये कर लिया, 1 घंटा वो कर लिया, उसके बाद फिर काम कर लिया, तो ऐसे लेजीनेस में होते रहता सारा कुछ, बट दिस इज व्हाट इट इज। और वैक्सीनेशन का पॉइंट बताना रह गया, अभी यहाँ पे 50% से कम वैक्सीनेशन हुई है और यहाँ पे वैक्सीनेशन ऑर्डर करी थी US से, इस साल की एंड में आने वाली थी, बट अभी इतनी ज्यादा मारामारी हो गई है कि यहाँ पे वैक्सीनेशन वगैरह कुछ मिल ही नहीं रही है। मैंने खुद वैक्सीनेशन बुक करवाई थी बट मेरी वैक्सीनेशन कैंसिल होगी, कोई रीजन नहीं दिया कुछ नहीं, वो कह रहे दोबारा बुक करवाओ और दोबारा अभी अक्टूबर तक अवेलेबल नहीं है। सो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट इस साल के एंड तक सबको वैक्सीनेट हो जाना चाहिए। एज यूजुअल मैं वीकली अपडेट्स वगैरह भी देता हूँ, अपनी नॉर्मल कोई और वीडियो भी बताऊंगा तो उसमें भी मैं वीकली छोटा सा अपडेट दे दिया करूंगा। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए भी थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया लेकर आएंगे, कुछ नई रिसर्च करेंगे, कुछ नया प्रेजेंट करेंगे, कुछ नई वीडियो की स्किल्स वगैरह दिखाएंगे, मतलब दिखाऊंगा, मैं अकेले हूँ और कोई एडिटर वगैरह नहीं है मेरा। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड वन।